हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था मैं 12:30 बजे लाइव आऊँगी, सो मैं आ गई हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार करते हैं। बस थैंक यू से बड़ा वर्ड तो कोई भी नहीं है, सो थैंक यू। एंड मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये फील करती की वजह से हूँ। सो थैंक यू। एंड हाय, हेलो अमन, चंद्रेश कुमार, विकास कुमार सिंह, बट ये दूसरे वाले हैं। अभिषेक हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ। हाय रोहित, कैसे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एकदम अच्छी हूँ। एंड खा पी रही हूँ, घूम रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मैं एकदम फिट हूँ। सो मुझे कुछ नहीं हुआ है। एंड जो भी न्यूज़ वालों ने इतनी सारी न्यूज़ बना दी है मेरे नाम की, सो मैं उनसे हार्डली मैं दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ किसी को खुशी दे सकते तो दीजिए, बट किसी को ऐसे बीमारियों से तो मत मारिए प्लीज़। न्यूज़ वाले अपनी न्यूज़ चलाने के लिए क्या 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 कांड करते हैं, सीरियसली। थैंक यू सो मच सुमंत पांडे, रितेश श्रॉफ, जुबैर खान, थैंक यू। मैं अभी मेरे मामा के पास आई हूँ एंड इस कुछ 15-20 दिन में बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो इस वजह से शूटिंग अभी पोस्टपोन है, बट होपफुली नेक्स्ट मंथ में शूट पे मैं जाऊंगी, क्योंकि नवरात्रि आ रही है एंड गुच्चू का त्यौहार है नवरात्रि। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। एंड मैं पटना भी आ रही हूँ नवरात्रि में, 3, 4, 5, 6 मैं पटना में, मतलब बिहार में ही हूँ। सो 21st को हमारा इवेंट है कोलकाता में, मैं 23rd को गाजीपुर जा रही हूँ, 25th को मैं पटना आ रही हूँ, फिर थैंक यू। थैंक यू गोलू कुमार, मुझे पता नहीं मैं ब्यूटीफुल हूँ या नहीं हूँ, बट आप सब मुझे इतना लाइक करते हैं, बस आप सबका प्यार है। एंड मुझसे भी कई ब्यूटीफुल लड़कियाँ हैं दुनिया में, बट आप सबका प्यार ही है जो मुझे इतना ख़ास और स्पेशल बनाता है हमेशा। सो थैंक यू सो मच। और मैं कुछ फैंस से मेरे अपने जो है उनको कहना चाहती हूँ, हाँ मैं गुजराती हूँ बट मेरा दिल, मेरी आत्मा सब बिहारी, बिहार से जुड़ी हुई है, बिकॉज मैं यहाँ पे 8 साल से वर्क कर रही हूँ। एंड मुझे नहीं पता कि रिश्तों में भाषाएं देखी जाती है या कुछ, मैं इंसान हूँ और बस मैं इंसान हूँ, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बिहार की हूँ तो ही मैं बिहार में वर्क करूँ, या ऐसा कुछ है मैं गुजराती हूँ तो बिहार में वर्क नहीं कर सकती। थिंक सोच बदलिए आपकी। कौन सा सॉन्ग सुना मेरा आपने? थैंक यू सो मच।
थैंक यू ऑल ऑफ यू। अमन सिंह, कहीं भोजपुरी मूवी के लिए ऑडिशन ही नहीं लिया जाता है पटना में? काजल जी कुछ व्यवस्था कीजिए ना पटना में। अमन जी आपको ऑडिशन क्यों देना है? गाइस आप लोग जो भी है जो भी घटना हुई थी कुछ एक आध दो साल पहले गुजरात वालों का या जो हुआ था उससे मेरा क्या लेना देना था? मैंने थोड़ी ना मैं खुद नहीं जानती और मैं खुद अगेंस्ट उस उन चीज़ों से, बिकॉज़ ये दुनिया है और दुनिया सबकी है, किसी अकेले की नहीं है, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो या कोई भी हो, ये दुनिया है और दुनिया सबकी है। पता नहीं ये लड़ना कब छोड़ेंगे ये लोग। के चेहरे पे तो लिखा नहीं है ना कि हाँ ये गुजराती है इसको भगाओ, ये बिहारी है उसको भगाओ, ये मराठी है भगाओ। मैं खुद कहीं ट्रैवल करती हूँ तो कोई मुझे गुजराती समझता ही नहीं है, कोई मुझे पंजाबी बोलता है, कोई क्या लाइक महाराष्ट्र बोलता है, तो सब बोलते हैं। अब किसी को पता तो है नहीं कि मैं गुजराती हूँ। खैर एनीवेज आप लोगों की सोच है, जो मुझे गुजराती और बिहारी को लेके जो मेरे साथ इश्यूज़ करते हैं उन लोगों की सोच है और उन सोच को मैं तो बदल नहीं सकती। बट येस आई लव यू ऑलवेज एंड बिहार मेरी जान बन चुका है एंड मैं हमेशा वर्क करूँगी बिहार में, करूँगी चाहे कुछ हो जाए, बिकॉज मेरे फैंस और उन लोगों की माँ जो मुझे बहुत सारा प्यार करती है, फीमेल फॉलोइंग जो मेरी है उसमें सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं है, घर घर की औरतें भी हैं जो मुझे बहुत लाइक करती है और उन सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, और मेरे सारे भाई जो मुझे बहन मानते हैं उन सबकी दुआएं हैं। मेरा भाई एक ही है बट मैं जब भी सेट पे मेरा रक्षाबंधन आता है तो कम से कम 10 भाई बन जाते हैं और वो सब बिहार से हैं, और मैं खुद उनको नहीं बोलती हूँ कि राखी बांधी, खुद मेरे पास आते हैं और मुझसे राखी बंधवाते हैं। सो मेरे बहुत सारे भाई हैं, मैंने रिश्ते कमाए हैं बस। थैंक यू सो मच। और कृष्णा कुमार दास भी लाइन में है जो कि मैं 5 साल पहले उनसे मिली थी, वो मुजफ्फरपुर से हैं और जब मेरी फिल्म आई थी हुकूमत उसमें वो मिला था मुझे, तब मैं इतनी कैपेबल नहीं थी कि मैं पर्सनल मेकअप मैन लेके घूमूँ, बट कृष्णा ने 5 साल से वो मेरे साथ है एंड 3-4 साल से मैं राखी बांध रही हूँ उसको और वो हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं कभी सेट पे रोने लगती हूँ तो मुझे शांत करवाता है, एज अ भाई वो मुझे पैम्पर करता है। सो थैंक यू सो मच कृष्णा। शिव है जो मेरा हेल्पमैन है, जो मुझे हेल्प करता है, मुझे खाना खिलाता है एंड सारी चीज़ें जो मेरी मुझे लगती है वो सब करता है, वो भी बिहार से है। सो उसको भी मैं राखी बांधती हूँ, तो थैंक यू सो मच शिव, और वो भी बिहार से है। सो ज़रूरी नहीं है, मेरे गुजराती सिर्फ 2 भाई हैं, एक उमंग और एक ये मेरा भाई विमल, और बाकी सब बिहार से। थैंक यू गाइज, और बस हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहिए मुझे और मेरे साथ रहिए, और मैं उन न्यूज़ वालों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, या तो न्यूज़ डिलीट कर दीजिए या फिर कुछ नहीं, क्या कर सकती हूँ, कर तो सकते हैं बट छोड़ो। मैम मैंने भोजपुरी सॉन्ग लिखा है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, आप बोले तो मैं आपको सॉन्ग दे सकता हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। गौरव शर्मा, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर तो नहीं हूँ बट कोई ना कोई ज़रूर आएगा आपकी हेल्प करेगा एंड आपका सॉन्ग एक ना एक दिन ज़रूर इंडस्ट्री में आएगा और रिलीज़ होगा।
देश भाई और बहन वाली बात पर आपको एक बात में बहुत कुछ हो रहा है मेरे साथ, और इसी टॉपिक पर मैं भी लाइव आने वाला हूँ कुछ दिन में। विकास कुमार, थैंक यू सो मच, यू आर सो ब्यूटिफुल विद ब्यूटिफुल, कीप स्माइलिंग ऑन फेस ऑल टाइम बिकॉज योर स्माइल इज़ वेरी ब्यूटिफुल लाइक यू। थैंक यू राज विमल, मेरे भाई का नाम भी है पीछे, थैंक यू सो मच। एंड मैं हमेशा हंसती रहती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी रो भी लेती हूँ, बट ऑल ओवर मैं ज़्यादातर हंसती रहती हूँ। और एक ऐसा कुछ है ना कि जो ज़्यादा हंसते हैं वो रोते भी बहुत है, सो मैं भी रोती हूँ, बट रोना भी चाहिए ना लाइफ में। मेरा अपना बेबी मिला, बेबी से हाय, से हाय, देखो ये मेरा ऑल टाइम स्माइल है, हाय बोलो बेबी, नहीं बोलूँगी, हनी की तरफ से मैं हाय बोलती हूँ आप सबको। ये मेरा दूसरा बेबी है जो चुपके से हवा ले रहा है। हाँ, मैं बैठ जाती हूँ। ओके, कोई क्वेश्चन है सो पूछ सकते हैं, बिकॉज मुझे बहुत सारे कॉल आए हैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो कांटेक्ट में हैं मेरे, उन लोगों ने मुझसे कहा कि प्लीज़ आप अपने फैंस के लिए लाइव आ जाइए एक बार, कि आपकी जो न्यूज़ आ रही है जो आप बहुत बीमार हैं, तो मेरे पास रोने की कॉल आ रहे हैं, सब रो रहे हैं, पूछ रहे हैं, किसी घर में खाना नहीं बन रहा है, उनकी मम्मी परेशान है, सो उन सारी माता जी को थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। मैं जब सुनी ये तो मुझे खुद रोना आ रहा था, एंड बस कोई वर्ड्स नहीं है कैसे डिस्क्राइब करूँ इस प्यार को, बट थैंक यू सो मच। रोहित शाह, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे हो एंड बहुत हार्ड वर्क करते हो। रोहन, रोहित का भाई है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, और दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, सो आप सब हमेशा खुश रहे, मैं बस इतनी दुआ करती हूँ। थैंक यू हमेशा हमारे साथ रहने के लिए। रोहित अभी किसारी जी के साथ है, अभी उनके साथ वो वर्क करता है और हमेशा उनका ख्याल रखता है 24 आवर्स, कभी भी फ़ोन करो तो वो आ जाता है। सो ये है रोहित। रोहन भी सेम है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बस थोड़ा मोटा नहीं होता, एकदम सुकड़ू सा ऐसा ऐसा। ओके फ्रेंड्स, आप ज़रूर आइएगा, मैं आ रही हूँ 3 तारीख को छपरा आ रही हूँ, 4 तारीख को मुजफ्फरपुर आ रही हूँ, 5 तारीख को क्या था बेगूसराय, और 6 को मैं आ रही हूँ आरा के आसपास कहीं तो है, मुझे प्लेस नहीं पता, बट मैं आ रही हूँ। सो आइए एंड हम लोग गरबा लेंगे। आई लाइक गरबा एंड मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, और अभी से ही मेरे घर में नवरात्रि का जो म्यूजिक है, जो सॉन्ग्स होता है, वो बजना स्टार्ट हो गए हैं। हम लोग हवा ले रहे हैं, सी हेलो, हाय, से हाय, कौन आयो, कौन आयो, बहुत फनी फिल्म है तो आप सब जरूर देखिए दिनेश जी अम्बाली, और या
बर्तन है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया। हाँ बेबी, यहाँ चलो। आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। और फिर से कहना चाहूँगी कि मैं बहुत मेरी तबीयत ठीक है, मैं एकदम फिट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर मुझे कभी कुछ होगा भी तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी, बिकॉज उस टाइम पे मुझे आप सबकी ज़रूरत होगी। और थैंक यू सो मच उमेश गुप्ता जी, दिल से। एंड हमेशा ऐसे हमें लाइक करते रहिए और हमेशा हमारे साथ रहिए। थैंक यू। बहुत सारे मैसेज ऐसे 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 जा रहे हैं, सो पढ़ते पढ़ते आई गेस ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आऊँगी मे बी इवनिंग में, ताकि वहाँ पे भी जो फैंस है, अगर जो अभी नहीं आ पाए, अभी जो मुझसे मुझे बात नहीं कर पाए मुझसे, सो उन तक भी बातें पहुँचानी है कि मैं एकदम अच्छी हूँ। और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आप बीमार है क्या, आप बीमार है क्या, ऐसे न्यूज़ आ रहा है। सो मैं फिर से एक बार न्यूज़ वालों को उन हाथ जोड़ कर मैं विनती करती हूँ, प्लीज़ किसी की बीमारी को लेके एटलीस्ट आपको न्यूज़ नहीं छापनी चाहिए, बिकॉज वो लोग तो परेशान होते ही हैं, उनके फैंस भी परेशान होते हैं, मेरे प्यारे दोस्त परेशान हो रहे हैं। सो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ती हूँ, या तो डिलीट कर दीजिए या फिर अफवाहें बंद करिए, झूठी है या जो भी है। बट मैं इसी वजह से ज़्यादा लाइव आई हूँ कि आपको बताने के लिए कि गलत है, फेक न्यूज़ है। एंड सीरियसली हद कर दिया। रत्नाकर सर इज वॉचिंग। हाय सर, रत्नाकर सर की मूवी रिलीज हुई है जो कि उन्होंने प्रोड्यूस की है, सो आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है लल्लू की लैला। एंड टाइटल भी बहुत प्यारा है, दिनेश जी, आमिर पाली और यामिनी सिंह इस मूवी में लीड कर रहे हैं, सो गो एंड वॉच। और ये सारा प्यार दीजिए हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को और उनकी फिल्म्स को, और कुछ नया 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 लाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। जो चेंज होता है, चेंज हो रहा है हमारा इंडस्ट्री, सो बस सब ट्राई कर रहे हैं और साथ रहिए। लव यू ऑल, फिर मिलती हूँ, बाय सिया। एंड फिर से कहूँगी मैं एकदम अच्छी हूँ, एकदम फिट हूँ, और इतना प्यार देने के लिए आपका ढेर सारा